हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ फूरियर सीरीज। और आज का जो विचार है वो है कि सिर्फ हमें एक जीवन मिला है, इसे अपने लक्ष्य की तरफ लगा दीजिए। अगर आपने अपना जो भी ड्रीम है या आपके जो भी टारगेट्स है उसके प्रति फोकस्ड रहिए, आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। सो मैंने आपके यहाँ पे दो लेक्चर्स ले चुका हूँ फूरियर सीरीज के ऊपर। पहला जो मेरा लेक्चर था वो लेक्चर था फुल रेंज सीरीज पे, जिसमें मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाया था। एक पढ़ाया था इवन फंक्शन, दूसरा बताया था मैंने ओड फंक्शन। इस पे बेस्ड अपनों ने दो न्यूमेरिकल किए हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको जो अगला टॉपिक लिया था वो लिया था हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज एंड हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लूंगा, वो है हार्मोनिक एनालिसिस। ये इस फूरियर सीरीज का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक एनालिसिस। और हार्मोनिक एनालिसिस होती क्या है और कैसे इस पे बेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो हार्मोनिक एनालिसिस, यहाँ पे हमारे पास जो फूरियर सीरीज होती है वो कभी फार्मूला होता है बट थोड़ा सा चेंज होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन टीटा प्लस बी एन साइन एन टीटा। यहाँ पे ए जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है वन अपॉन एन समेशन वाई एंड ए एन इज इक्वल टू टू बाय एन समेशन वाई कॉस एन थीटा एंड बी एन इज इक्वल टू टू बाय एन समेशन वाई साइन एन थीटा। सो अगर हमें फूरियर सीरीज निकालनी है हार्मोनिक एनालिसिस की हेल्प से तो हमें इन तीनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चंस एग्जाम में अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द फूरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक या फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द फूरियर सीरीज, या कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द फूरियर सीरीज अप टू थर्ड हार्मोनिक, और भी दो टाइप के और क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको क्लास में करूंगा। फिर भी मैं बता देता हूं कि आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द फर्स्ट फोर साइन टर्म ऑफ द फूरियर सीरीज, या फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द कॉन्स्टेंट टर्म एंड थ्री कोसाइन टर्म ऑफ द फूरियर सीरीज, तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे ये पूछे कि फाइंड द फूरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक, तो हमारा आंसर होगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो ए वन कॉस थीटा प्लस बी वन साइन थीटा। और आपसे ये पूछे कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक, तो हमें क्या करना है, ये जो ए वन है और बी वन है इसका स्क्वायर करके रूट करके हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हार्मोनिक एनालिसिस पे। ऑब्टेन द कॉन्स्टेंट टर्म विद द फर्स्ट हार्मोनिक इन द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ ए वाई एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एग्जाम में एक टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ होता है और आपसे बोलेगा कि इसकी कॉन्स्टेंट टर्म और फर्स्ट हार्मोनिक निकालिए। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिखना है ए जीरो इज इक्वल टू ए वन कॉस थीटा प्लस बी वन साइन थीटा। मैंने आपको पहले फार्मूला जब बताया था तब यहाँ एन कॉस एन थीटा था और बी वन बी एन साइन एन थीटा था, पर हमें एन की जगह यहाँ पे वन रखना है बिकॉज हमें यहाँ बोल रहा है फर्स्ट हार्मोनिक। हाँ, मैं थोड़ा सा और बता दूं, अगर एग्जाम में हमें ये पूछे कि फाइंड द फूरियर सीरीज अप टू सेकंड हार्मोनिक, तो सेकंड हार्मोनिक में क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस टू थीटा प्लस बी टू साइन टू थीटा। पर हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा है, हमें सिर्फ पूछा है कि फाइंड द कॉन्स्टेंट टर्म एंड फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द फूरियर सीरीज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालेंगे और ये वाली वैल्यू नहीं निकालेंगे। अब यहां पे इसके फार्मूले देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन वाई, और ए एन का फार्मूला होता है हमारे पास टू अपॉन एन समेशन वाई कॉस एन थीटा, और बी एन का फार्मूला होता है हमारे पास, नॉट एन, हमें यहां वन निकालना है तो हम यहां पे क्या लेंगे, ए वन लेंगे, तो यहां पे हमारा क्या होगा, थीटा होगा बिकॉज एन की जगह हम वन रखेंगे। सिमिलरली हमारे पास यहां बी वन है, सो बी वन की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, टू बाय एन समेशन y cos थीटा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये जो n है ये क्या है, तो यहाँ जो n की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी नंबर टर्म्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल जो टर्म्स हमारे पास कितनी है, सिक्स है। तो इस क्वेश्चन में जो कैपिटल n होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, सिक्स होगी। अब दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक में यहाँ पे एंगल गिवन होता है, इस क्वेश्चन में यहां पे एंगल गिवन नहीं है, तो हमें जब फूरियर सीरीज निकालनी होगी तो हमें यहां पे क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टोटल 360 डिग्री टर्म हो, 360 डिग्री होता है और एन हमारे पास यहां पे कितना है, 6 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एंगल होगा थीटा इंटरवल होगा वो कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पे जो हम इंटरवल लेंगे एच, जो भी एंगल का इंटरवल होगा वो हमारे पास कितना होगा, एच इज इक्वल टू 360 डिग्री, मींस एच इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, यहां पे 360 डिग्री। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे हम यहां पे टेबल लेंगे, सो हम यहां पे x को लिख सकते हैं आप, सो x इज इक्वल टू वो की वो वैल्यू जो आपके इधर लिखी हुई है, 0 1 2 3 4 5,
और यहां पे हम थीटा ले लेंगे, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि थीटा की जो वैल्यू वो क्या लेंगे हम यहां पे 60 डिग्री इंटरवल पे लेंगे. सो फर्स्ट इज 0 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 120 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 240 डिग्री एंड देन यहां पे हमारे पास आएगा 300 डिग्री. सो ये एंगल होगा हमारा, बिकॉज इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपको एंगल नहीं गिवन है. सो एंगल आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा. कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम में सीधा एंगल दिया हो, इस एक्स की जगह आपको एंगल दिया हुआ होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अगर यहां एंगल नहीं दे रखा तो हमें एंगल यहां पर लेना पड़ेगा. ठीक है, एंगल लेने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है. जितने भी आपको टर्म्स दे रखी, जितनी भी आपको वैल्यूज दे रखी, कितने इंटरवल है, वन कितनी टेबल में कितने दे रखा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 360 डिग्री है, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंड देन यहां पे आपके पास y ले लीजिए. सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट्स, 9, 18, 24, 28 एंड 26 एंड 20. एंड अब हमारे पास यहाँ पे हमें A0 की वैल्यू निकालनी है. सो स्टूडेंट्स, A0 की वैल्यू के लिए हमें किसकी पता वैल्यू पता होनी चाहिए, समेशन y. तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, समेशन y की वैल्यू मिल जाएगी. देन आपको यहाँ पे एक और चाहिए, y cos theta एंड y sin theta. सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, y sin theta की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y cos theta की. एंड देन क्या करेंगे, फाइनली इसका सम निकालेंगे. तो यहां पे y cos थीटा की y sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, एंड इसको सम करेंगे तो y sin थीटा आ जाएगा, इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, y cos थीटा. एंड देन ये वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा. सो स्टूडेंट्स y sin थीटा किससे आएगा, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 एंड ये डिग्री में वैल्यू है. एंड sin कितना आएगा स्टूडेंट, 0 डिग्री, 18 sin 60 डिग्री एंड 24 sin 120 डिग्री एंड 28 साइन 180 डिग्री एंड देन 26 साइन 240 डिग्री एंड 20 साइन 300. आपको यहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में. सो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, 9 साइन 0 डिग्री प्लस 18 साइन 60 डिग्री प्लस 24 साइन 120, इन सबको आप प्लस करते जाइए, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी. सिमिलरली हमें यहां पर निकालना वाई कॉस थीटा, 9 cos 0 डिग्री. आपको यहां पे cos साइन की जगह क्या लिख देना है, cos, बाकी as it is बिकॉज साइन और cos चेंज हो रहा है, y तो as it is है. सो 18 cos 60 डिग्री, 24 cos 120 डिग्री एंड 28 cos 180 डिग्री एंड 26 cos 240 डिग्री एंड 20 cos 300. So, ये सब वैल्यूज हैं, इन सबको आपको क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से आपको इसकी वैल्यूज को सम करना है. ये वैल्यूज उठा के आप यहां रखेंगे. सो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी. सो स्टूडेंट्स हमने यहां इन सब की वैल्यूज है, इन सब का सम करना है, तो सम के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा साइंटिफिक. सो 9 साइन 0 डिग्री, 18 साइन 60 डिग्री, ये सब आप सम करके यहां इसकी वैल्यू निकालेंगे. सो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 3.464. इसी टाइप से 9 कॉस 0 प्लस 18 कॉस 60, तो ये सब आप सम करेंगे तो आएगा माइनस 25. स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेटर यूज करें तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको किसमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी ये एंगल की वैल्यू परफेक्ट आएगी. और ये जो वाई है इसको आप ऐड करेंगे तो समेशन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 120 डिग्री आएगी. अब आपसे ये पूछा है कि फाइंड द कॉन्स्टेंट टर्म एंड फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द फूरियर सीरीज, तो यहाँ पे आपको A1, B1 और A0 की वैल्यू निकालना है. सो A0 की जो वैल्यू है वो हम कितना निकालेंगे, हमारे पास A0 का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 1/n एंड n इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री. सो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20.33. इसी टाइप से हम यहाँ पे A1 की वैल्यू निकालेंगे. सो स्टूडेंट्स A1 का जो फार्मूला होता है मैंने आपको बताया था, 2/n समेशन y cos थीटा. सो 2/6 एंड y cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस का 25. और जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 8.33. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 83 आएगा, 20.83. एंड B1 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी 2/n समेशन y sin theta इज इक्वल टू 2/6 एंड यहाँ पे आपके पास वैल्यू है माइनस का 3.464. और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 1.15. ये A0, A1, B1 इन सब की वैल्यू उठा के आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पे ये जो A0, A1, B1 है इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे. सो हमारे पास आंसर आएगा fx इज इक्वल टू 20.83 प्लस A1 की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 8.33 cos थीटा
प्लस बी वन की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 1.15 साइन थीटा. सो फाइनल आंसर हमारे पास होगा 20.83 माइनस 8.33 कॉस थीटा माइनस 1.15 साइन थीटा. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बात थी वो ये थी कि हमें एंगल नहीं दे रखा है, तो हमने एंगल की वैल्यूज को क्या करा, वैल्यू माना. और एंगल की वैल्यू जो है वो हमने हमारे पास टोटल 6 इंटरवल थे, तो 360 डिवाइड किया 6 और 60 डिग्री हमारा एंगल इंटरवल निकला. सो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 एंड ये सब हमने वैल्यूज ली और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने समेशन y cos थीटा एंड समेशन y sin थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रखा और यहाँ से हमने A0, A1 और B1 की वैल्यू निकाल के हमने आंसर निकाला. तो ये आपका आंसर हुआ इसका क्वेश्चन का. यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए आप. इस सेकंड क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल नहीं दे रखा था, इस क्वेश्चन में एंगल गिवन है. देखिए आप, यहाँ पे एंगल दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब आपको एंगल्स गिवन है ना, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210, 240, 270, 300, 333 एंड 360 डिग्री एंगल्स की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग y गिवन है. सो आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ साइन 2 थीटा इन द फूरियर सीरीज. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन मशीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y ऑफ ए गिवन पॉइंट इज गिवन फॉर अ सर्टेन एंगल थीटा इज एज फॉलोज. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ साइन 2 थीटा इन द फूरियर सीरीज. तो फूरियर सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन में आपको वहां एंगल नहीं गिवन होता है, एक क्वेश्चन में आपको एंगल गिवन होता है. सो एंगल गिवन दिया हुआ हो तो बढ़िया, हमारे लिए थोड़ा काम कम हो जाता है. सो हम कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट निकालना है. तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, हमारी जो फूरियर सीरीज होती है fx इज इक्वल टू A0 A1 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा. इसी टाइप से नेक्स्ट होता है A2 cos 2 थीटा प्लस B2 sin 2 थीटा. इस तरह से हमारी फूरियर सीरीज चलती रहती है. सो हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ साइन 2 थीटा इन द फूरियर सीरीज. मतलब आपको इस साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट निकालना, मींस आपको क्या निकालना है, यहाँ पे B2 निकालना है. सो स्टूडेंट, सिर्फ हमें यहाँ पे B2 की वैल्यू निकालनी है और हम जानते हैं B2 का फार्मूला कितना होता है, 2/n समेशन y sin 2 थीटा. स्टूडेंट्स आपको बता दूं, वहां पे bn का फार्मूला होता था 2/n समेशन y sin n थीटा. यहां पे n की जगह हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे. तो हमारा फार्मूला होगा b2 इज इक्वल टू 2/n समेशन y sin 2 थीटा. सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू 0, 30, ये सब हमारा एंगल है और ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हमें जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है. नाउ हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ साइन 2 थीटा इन द फूरियर सीरीज. तो हमने बताया था साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट होता है B2 2/n समेशन y sin 2 थीटा. तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है साइन y sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी. सो हम क्या करेंगे, इधर देखिए आप लोग. पर एक इस क्वेश्चन में एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो कैपिटल N है, कैपिटल N की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है 13. आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो ये 13 हमारे लिए एक सोचने वाली बात है. तो यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे आप, एक चीज देखेंगे तो इस क्वेश्चन में 0 डिग्री पे 0.9 दे रखा है एंड 360 पे भी 0.9 दे रखा है. मतलब ये रिपीट कर रहा है बिकॉज 0 डिग्री एंड 360 डिग्री सेम होता है. सो आपको ये जो लास्ट वाला जो है इसको आपको नहीं लेना है कैलकुलेशन के अंदर. मतलब ये जो टेबल है, टेबल की जो लास्ट वैल्यू, इसको आपको क्या करना है, यूज नहीं करना है कैलकुलेशन के अंदर. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कैपिटल N आएगा वो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, 12 आएगा. तो आप कोशिश करिए कि जो कैपिटल N है वो इवन रहे. अगर बाई चांस कुछ 11, 13 या 15 इस टाइप से कुछ भी आ रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो कोई रिपीट तो नहीं हो रही वैल्यूज, है ना. कभी कभी जैसे आप 30 60 डिग्री पे देखेंगे तो 0 डिग्री और लास्ट में 360 डिग्री लिखा हुआ होगा, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री मंस कहीं वैल्यू रिपीट कर रही है, तो उस लास्ट वाली रिपीट को हम कैलकुलेशन में काउंट नहीं करेंगे. सो देखिए आप, हम y sin 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे. तो y स्टूडेंट यहाँ पे कितना है, 0.9 और साइन इसका डबल, मीन्स 0 तो 0 ही होगा. देन ये देखिए आप 8 साइन, इसका डबल कितना होगा, 60. यहाँ देखिए आप 7.2 साइन 120, आपको इसका डबल लिखना है ना, बिकॉज साइन 2 थीटा है. सो यहाँ पे आएगा साइन 180 डिग्री. देन यहाँ आएगा 3.6 साइन 120 डिग्री, और नॉट 120, इट्स 240 डिग्री. सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 240 डिग्री. देन यहाँ आएगा 1.7 साइन 300, 0.5 साइन 360 डिग्री एंड 0.2 साइन 420 डिग्री एंड देन 0.9 साइन 480 डिग्री
एंड 2.5 यहाँ आएगा साइन 540 डिग्री एंड यहाँ 4.7 साइन 600 एंड 6.8 साइन 660 डिग्री, ये सब की वैल्यू हम निकालेंगे। फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वाली इसको कैलकुलेशन में काउंट नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ हमारे पास किसकी वैल्यू मिलेगी, y साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए साइंटिफिक। सो 0.9 साइन थीटा प्लस 8 साइन 60 प्लस 7.2 साइन 12। मैंने आपको बोला भी था कि जब आप कैलकुलेटर की कैलकुलेशन करें तो आपको यहाँ पे डिग्री में कैलकुलेटर को कन्वर्ट करना है। आप कैलकुलेशन करें तो वो रेडियन में नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर रेडियन में रहा तो आपकी वैल्यूज अलग आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सब इसका सम करेंगे, तो आपको यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं, मैंने आपको फिर से बोला है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये डिग्री में होना चाहिए आपका कैलकुलेटर का मोड। सो हम यहाँ समेशन वाई साइन टू थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 4.330। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करेंगे, सो यहाँ आएगा 2/12 एंड देन वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे 0.4330। सो आपके पास वैल्यू इसकी आएगी 0.4330 एंड देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे वो आएगी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.07216। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ साइन 2 थीटा इन द फूरियर सीरीज। सो साइन कोफिशिएंट ऑफ द साइन 2 थीटा इन द फूरियर सीरीज B2 एंड द वैल्यू ऑफ B2 इज माइनस का 0.07216। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके सामने बताया कि हार्मोनिक एनालिसिस कैसे हम लोग A0, AN और BN की वैल्यू के फार्मूलेज होते हैं और वो फार्मूले कैसे हम निकालते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि फाइंड द फूरियर सीरीज एंड फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द फूरियर सीरीज, एंड सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ साइन 2 थीटा इन द फूरियर सीरीज। और भी क्वेश्चंस होते हैं, पर आप ये क्वेश्चंस देख के आप वो वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस में या कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स लिखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे जो भी चैनल में जो भी डाउट्स आता है उस पर आप कमेंट करते रहिए। और अगर आपको कोई फ्रेंड्स है जो इंजीनियरिंग कर रहा है और या BSc कर रहा है तो आप ज़रूर उसको इसको शेयर करना ना भूले। और मेरे जो अगले वीडियोस हैं वो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं लेने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि सर इस हार्मोनिक एनालिसिस के अंदर और भी हमें क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस के ऊपर और भी एक वीडियो और इसके ऊपर डाल दूंगा। एंड देन नेक्स्ट, अब अगला वीडियो मैं आपके सामने लेने वाला हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।